भगवान बलराम जी की जयंती भारतीय किसान संघ के द्वारा मनाई गई, जिसमें किसानों ने अपने आराध्य भगवान बलराम जी की तस्वीर पर तिलक करके भोग लगाया और जयकारे से समूची गल्ला मंडी गूंज उठी। के बाद किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। कृषि उपज मंडी प्रांगण में भगवान बलराम की प्रतिमा स्थापित की जाए। किसानों की फसलों का सही मूल्य न मिल पाने के कारण किसानों ने अपनी आवाज उठाई, जिसमें समस्त किसानों की सहमति ली गई और किसानों के द्वारा मांग की गई कि हम सभी किसानों की मेहनत को ध्यान में रखकर हमारी उपज मूल्य का निर्धारण किया जाए। कार्यक्रम में अशोक सिंह तोमर जिला अध्यक्ष सहित 100 किसान गण मौजूद थे। इसके उपरांत SDM राजीव समाधिया को अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए ज्ञापन भी दिया गया। भारतीय किसान संघ भगवान बलराम को अपना इष्ट मानता है और भगवान बलराम के जन्मदिन पर उनकी जयंती को हमेशा मनाता है और हम भारतीय किसान संघ वाले सही मना रहे हैं आज। और मसीह के उपलक्ष्य में भगवान की विधिवत पूजा की है और फल वगैरह बांटेंगे सभी को प्रसाद के रूप में। श्रीमान SDM महोदय जी को हमने एक ज्ञापन बनाया है, उनको देंगे। एक हमारी पहली समस्या ये है कि मतलब किसानों की जो ज़मीन है, कई किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन ऑनलाइन नहीं हुई और वो कचरा कचरी निकलवाते हैं, निकलते नहीं है, इससे उनको परेशानी होती है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है बाजरा गेहूँ का। दूसरी बात, दूध में अत्यधिक मिलावट हो रही है, सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। भारतीय किसान संघ की ओर से आज यहाँ बैठक का आयोजित किया गया था, उसके संबंध में उनके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो बिंदु हैं वो महत्वपूर्ण हैं और जो तत्काल रूप से जिनका निराकरण मेरे स्तर पर हो सकता है, मैंने तहसीलदार को डायरेक्ट किया है इस मामले में, वो तत्काल कार्रवाई करेंगे। और जो शासन स्तर के मामले हैं उनको मैं शासन को भेजूँगा, उनका निराकरण शासन स्तर। हाँ, इसके संबंध में जो स्वास्थ्य विभाग है जिले में, वो उनके अंदर में जो पूरे स्ट्रक्चर हैं जो कार्रवाई करते हैं, अभी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मैं उनको जिले स्तर पर अवगत कराऊंगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पोरसा से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट।